बोट का फेवरेट नंबर 255 फिर से लॉन्च हो चुका है ANC मोड के साथ दोस्तों, और साथ ही में इसमें आपको तीन माइक्स का सेटअप AI पावर्ड ENX टेक्नोलॉजी के साथ दिया गया है। नाम तो सुनने में काफी बढ़िया लग रहा है, लेकिन काम कितना बढ़िया करता है वो तो हमें बाइक का कॉलिंग टेस्ट करके ही पता चलेगा। ENC मोड ले लो, मैग्नेटिक ऑन ऑफ ले लो, थ्री माइक्स का सेटअप ले लो, गेमिंग मोड ले लो, 100 घंटे का प्ले टाइम ले लो, ले लो ले लो ले लो। तो क्या हाल है दोस्तों आप लोगों के। यहाँ पर बोट ने अपने फेवरेट नंबर 255 के बोट रॉकर्स 255 एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन फीचर वाले नेकबैंड लॉन्च कर दिए हैं। इसका लॉन्च प्राइस कम था, लेकिन अब प्राइसिंग बढ़कर इसके 1900 रुपीज के आसपास हो चुके हैं। मैंने इसको पर्सनली परचेज किया हुआ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से, और यहाँ पर फीचर से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं है। इसमें आपको डुअल डिवाइस पेयरिंग का ऑप्शन, मैग्नेटिक ऑन ऑफ का फीचर, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन फीचर मोड, तीन माइक्स का सेटअप मिलेगा, साथ ही में गेमिंग मोड मिलने वाला है एप्लीकेशन के सपोर्ट के साथ। फीचर्स मुझे काफी इंप्रेसिव लगे, लेकिन आउटपुट कितना जस्टिफाई करता है आपको इस वीडियो में सारी टेस्टिंग मिल जाएगी हमेशा की तरह, ताकि अगर आप सोच रहे हैं इसको परचेज करने का, एंड तक पहुंचते-पहुंचते आप डिसाइड कर ही लेंगे कि ये कितना वैल्यूएबल प्रोडक्ट है। शुरुआत करते हैं अनबॉक्सिंग के साथ। तो यहां पर आपको बोट रॉकर्स 255 ANC नेकबैंड का ऐसे बिल्कुल आपको बढ़िया सा पैकेजिंग काफी आपको बढ़िया मिल जाएगी बॉक्स की। बैक साइड में काफी फीचर्स मेंशन किए गए हैं, सब आगे डिटेलिंग में चेक करेंगे हम प्रॉपर तरीके से। इसको आप जैसे अनबॉक्स करेंगे, ओपन करेंगे, तो आपको इस तरीके की पैकेजिंग मिलने वाली है। पैकेजिंग काफी आपको प्रीमियम मिल जाएगी, एक एक चीज प्रॉपर तरीके से पैक की गई है। यहां पर आपको एक कार्ड मिल जाएगा जिसमें एप्लीकेशन का QR कोड दिया गया है, आगे डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन कैसे वर्क करती है। एक बॉक्स मिलेगा जिसके अंदर आपको हमेशा की तरह पेपर वर्क मिलने वाला है, वारंटी कार्ड, यूजर मैनुअल, बोर्ड का ब्राउचर, एक IM बोर्ड हेड का स्टिकर मिल जाएगा, एक छोटी सी लेंथ की टाइप सी की केबल मिलेगी टू चार्ज योर नेकबैंड, एक्स्ट्रा ईयर टिप्स के साथ अपने कानों के साइज के हिसाब से आप यूटिलाइज कर पाएंगे। और मेन प्रोडक्ट की बात करेंगे, दिस इज द नेकबैंड यू विल बी गेटिंग। यहां पर आपको ऐसे लुक एंड फील का नेकबैंड मिलने वाला है, इसमें आपको मल्टीपल कलर कॉम्बिनेशंस मिलने वाले हैं। मैंने ये वाला कलर कॉम्बिनेशन यहां पे पिक किया हुआ है, लेकिन जो ऊपर सिलिकॉन मटेरियल दिया गया है वो काफी आपको बढ़िया क्वालिटी का मिल जाएगा, सॉफ्टनेस से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, इसको आराम से फ्लेक्सिबल तरीके से यूटिलाइज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इस साइड पे आप देखेंगे तो यहां पे आपको सिंपली बोट की ब्रांडिंग मिलने वाली है, ऐसे कोई बटन प्रोवाइड नहीं किया गया यहां पे, पूरी आपको प्लास्टिक बिल मिलने वाली है नेकबैंड की, और जो प्लास्टिक क्वालिटी यहां पे आपको डिसेंट मिल जाएगी, बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं बोल पाएंगे, डिसेंट आपको प्लास्टिक बिल मिलने वाली है। और दूसरी साइड पर आप देखेंगे तो यहां पे आपको सारे के सारे मल्टीफंक्शन बटन मिलने वाले, इसमें आपको ANC मोड प्लस माइनस का बटन कैसे एक्जैक्टली वर्क करता है आगे डिस्कस करेंगे। साइड में आपको एक प्रॉपर कवरिंग के साथ टाइप सी का पोर्ट मिलेगा, यहां से आप नेकबैंड को चार्ज कर सकते हैं। और यहां पर आप नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको वायर्स मिल जाएंगी, वायर्स की क्वालिटी यहां पे सही मेंटेन की गई है। एंड यहां पर आपको मिलने वाले हैं बड्स पूरे आपको यहां पे प्लास्टिक बिल्ड के मिलने वाले हैं, पूरा आपको ऐसा लुक एंड फील प्रोवाइड करते हैं, मैट फिनिश और ग्लॉसीनेस के कॉम्बिनेशन के साथ सही लुक एंड फील प्रोवाइड किया गया है बड्स में, और दोनों में आपको बोट का लोगो लगा हुआ मिल जाएगा। एंड साथ ही में इसमें आपको मिलने वाला है मैग्नेटिक ऑन ऑफ का फीचर, मैग्नेट काफी स्ट्रॉन्ग दिए गए हैं, और इसका जो मैग्नेटिक ऑन ऑफ का फीचर है सही तरीके से वर्क करता है। अगर आप ऑलरेडी कनेक्शन एस्टैब्लिश कर चुके हैं, सिंपली आप मैग्नेट्स को अलग करेंगे, ये पेयरिंग मोड में आ जाएगा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में, लास्ट पे डिवाइस से कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा, मैग्नेट्स को जोड़ देंगे, यहां पे डिस्कनेक्शन भी प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। साथ ही में इसका डुअल डिवाइस पेयरिंग का ऑप्शन मिलने वाला है, एक टाइम पे आप दो फोन से कनेक्ट कर सकते हैं, ये भी एक प्लस पॉइंट है। और इसके फिटिंग की बात करेंगे, फिटिंग भी आपको काफी इंप्रेसिव मिलने वाली है, लाइट वेट नेकबैंड है, पूरा आपको प्लास्टिक बिल मिल जाएगी, सिलिकॉन मटेरियल जो दिया गया है सॉफ्ट दिया गया है, नेक पे आप प्लेस करेंगे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, प्रॉपर ईयरकफ्स लगाएंगे, पैकिंग भी काफी आपको बढ़िया मिल जाएगी, आपको ऐसा कोई हैवीपन फील नहीं होगा नेकबैंड को लगाते से ही। अगर आप चाहते हैं एक्टिविटीज करना, वर्कआउट्स करना, लॉन्ग आवर्स के लिए यूटिलाइज करना, रनिंग जॉगिंग करना, इसको आप डेफिनेटली उस पर्पज के लिए चेकआउट कर सकते हैं, फिटिंग को लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। और यहां पर अगर हम एक नजर डालेंगे इनके फीचर्स पार्ट को लेकर, तो इसमें आपको मिलने वाला है ब्लूटूथ वर्जन 5.3, IPX4 वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंट फीचर, 13 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स, SBC AAC कोडेक का सपोर्ट, मैग्नेटिक ऑन ऑफ का फीचर, डुअल डिवाइस पेयरिंग का ऑप्शन, गूगल फास्ट पेयरिंग का ऑप्शन, इसमें आपको डुअल इक्वलाइजर मोड्स मिलेंगे, बोर्ड का सिग्नेचर साउंड और स्पेशल ऑडियो का सपोर्ट मिल जाएगा, तीन माइक्स का सेटअप दिया गया है, AI पावर्ड आपको ENX टेक्नोलॉजी मिलने वाली है, गेमिंग मोड बीस्ट मोड मिल जाएगा, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन फीचर मोड, ट्रांसपेरेंसी मोड, इसमें आपको एप्लीकेशन का सपोर्ट भी मिलने वाला है। और इसमें आपको 70-100 आवर्स तक का ओवरऑल प्ले टाइम क्लेम किया है ब्रांड ने ऑन अ सिंगल चार्ज, लेकिन वो डिपेंड करता है अगर आप ANC मोड पे सुनेंगे आपको कम बैटरी लाइफ मिलेगी, कितनी आप वॉल्यूम पे सुन रहे हैं, अगर 50-60% वॉल्यूम पे सुनेंगे जो बैटरी लाइफ क्लेम की है ब्रांड ने डेफिनेटली आपको मिल जाएगी, उसको लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया, अगर आप नेकबैंड को 10 मिनट चार्ज करते हैं 20-24 घंटे के आसपास आपको प्ले टाइम मिल जाएगा। फीचर्स चेक नेकबैंड बोल सकते हैं, फीचर्स से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बड़ी आपको भर भर के फीचर्स मिलने वाले हैं। बात करेंगे इसके एप्लीकेशन सपोर्ट की, इसमें आपको बोट हेरेबल्स एप्लीकेशन का सपोर्ट दिया गया है। यहां पर आप जैसे कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे तो यहां पर आपको नेकबैंड की बैटरी परसेंटेज दिखा देगा एप्लीकेशन पार्ट में, और यहां पर जो ENC मोड है, ट्रांसपेरेंसी मोड है, डिफॉल्ट मोड है, उसमें आप स्विच कर सकते हैं। और अगर हम इसके ANC मोड की बात करेंगे जो 32 decibels क्लेम की है, काफी बढ़िया तरीके से वर्क करती है, जैसे आप ANC मोड में स्विच करेंगे आपको साफ साफ डिफरेंस पता चल जाएगा, दूर की आवाजें बिल्कुल कैंसिल हो जाएगी, सामने आपके कोई नॉर्मल तरीके से बोलेगा अगर आप म्यूजिक नहीं सुन रहे हैं तो आपको हल्का हल्का सुनाई देगा। इसके ANC फीचर को लेकर मैं पर्सनली
काफी इंप्रेस हुआ हूं। अगर आप म्यूजिक सुन रहे हैं ANC मोड ऑन करेंगे आपको बिल्कुल बैकग्राउंड की नॉइज नहीं आने वाली है। अगर आप कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं नेकबैंड को यूटिलाइज करके आपको बैकग्राउंड की नॉइज कैंसिल करनी है डेफिनेटली उस पर्पस के लिए इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी मोड की बात करेंगे, ट्रांसपेरेंसी मोड मुझे यहाँ पे डिसेंट लगा, थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं रोबोटिक आवाज क्रिएट कर रहा था मुझे लगा ऐसा, और बोलते हैं कि बहुत ज्यादा एक्टिविटीज कैच नहीं कर पा रहा था बैकग्राउंड की, डिसेंट आप बोल सकते हैं ट्रांसपेरेंसी मोड वर्क करता है मेरे हिसाब से, थोड़ी बहुत बेटरमेंट होनी चाहिए उसको लेके। बाकी इसमें आपको स्पेशल ऑडियो को सपोर्ट दिया गया, इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे आपको बोट एडेप्टिव इक्वलाइजर मोड का ऑप्शन दिया गया है, इसमें आप आपको रिचनेस कितनी चाहिए आउटपुट को लेके आप पर्सनलाइज कर सकते हैं, आप लेवल सेट कर सकते हैं आपको कितने क्रिस्प आउटपुट चाहिए डिटेलिंग पार्ट को लेके वोकल्स को लेके। एंड यहाँ पर आपको हियरिंग टेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपके कान कितनी फ्रीक्वेंसीज कैच करते हैं आप हियरिंग टेस्ट करके आउटपुट ले पाएंगे नेकबैंड के थ्रू। और साथ ही में आप टच कंट्रोल्स में जाएंगे तो आप कस्टमाइज कर सकते हैं बीच वाले बटन को, जो बीच वाला बटन है उसको आप सिंगल प्रेस करने से क्या एक्जैक्टली हो, डबल प्रेस करने से क्या हो, यहां से आप कस्टमाइज कर सकते हैं बीच वाले बटन को। सिस्टम में आप जाएंगे तो यहां पे जो डुअल डिवाइस पेयरिंग का ऑप्शन है उसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहां से टाइमली अपडेट्स आते रहते हैं उनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन मुझे काफी यूजफुल लगी, बट यहां पर आपको जो इक्वलाइजर मोड्स रहते हैं मल्टीपल इक्वलाइजर मोड्स उसको कस्टमाइज करने का ऑप्शन यहां पे आपको मिसिंग मिलने वाला है मेरे हिसाब से, इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए थी, हो सकता है टाइम टू टाइम यहां पे अपडेट आ जाए तो उसमें भी आपको इंप्लीमेंटेशन मिल जाए इक्वलाइजर मोड्स को लेकर। और यहां अगर हम इसके बटन कंट्रोल्स की बात करेंगे, बटन कंट्रोल्स का हिसाब किताब ऐसा है, अगर जो बीच वाला बटन है उसको अगर आप सिंगल प्रेस करेंगे तो म्यूजिक प्ले होगा, फिर से सिंगल प्रेस करेंगे म्यूजिक पॉज होगा, प्लस को सिंगल प्रेस करेंगे वॉल्यूम इंक्रीज होगी, माइनस को सिंगल प्रेस करेंगे वॉल्यूम डिक्रीज होगी, प्लस को लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे ये नेक्स्ट ट्रैक पे लेके जाएगा, माइनस को लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे ये प्रीवियस ट्रैक पे लेके जाएगा। और बीच वाले बटन को अगर आप यहाँ पे ट्रिपल प्रेस करते हैं जो वॉइस असिस्टेंट फीचर है वो एक्टिवेट हो जाएगा, आप कमांड्स देके यूटिलाइज कर पाएंगे। और बीच वाले बटन को अगर आप 3 सेकंड्स के लिए लॉन्ग प्रेस करते हैं तो ये गेमिंग मोड में एंटर कर जाएगा, आपको यहाँ पे कॉन में प्रॉम्प्ट भी सुनाई देगा बीच मोड करके, फिर से लॉन्ग प्रेस करेंगे बीच वाले बटन को 3 सेकंड्स के लिए, ये गेमिंग मोड से एग्जिट करके म्यूजिक मोड में आ जाएगा। और किसी का कॉल आ रहा है एक्सेप्ट करने के लिए बीच वाले बटन को सिंगल प्रेस करेंगे कॉल एक्सेप्ट हो जाएगा, चलती हुई कॉल को रिजेक्ट करने के लिए बीच वाले बटन को सिंगल प्रेस करेंगे कॉल रिजेक्ट हो जाएगा, इनकमिंग कॉल को डायरेक्टली रिजेक्ट करने के लिए बीच वाले बटन को अगर आप डबल प्रेस करेंगे तो कॉल डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा। और जो ANC वाला बटन दिया गया है इसको अगर आप सिंगल प्रेस करेंगे, जो ANC मोड है ट्रांसपेरेंसी मोड है नॉर्मल मोड है उसमें स्विच करता है सिंगल प्रेस करने से, और इसी बटन को अगर आप डबल प्रेस करेंगे दो बार प्रेस करेंगे जो स्पेशल ऑडियो का सपोर्ट दिया गया है उसमें स्विच करेगा, फिर से डबल प्रेस करेंगे तो जो बोट का सिग्नेचर साउंड है उसमें स्विच कर जाएगा। और यहां पर अगर हम बात करेंगे गेमिंग एक्सपीरियंस की, 60 मिलीसेकंड लेटेंसी क्लेम की, उसको भी अभी लग गया गेमिंग टेस्ट देख लीजिए इसके थ्रू। यहां पर मैंने OnePlus 9R में इसका गेम मोड ऑन करके SBC कोडेक में ऑन करके गेमिंग करी थी, इसमें आपको डेफिनेटली जो 60 मिलीसेकंड लेटेंसी है जस्टिफाइड लगी मुझे, उसको लेके दिक्कत नहीं लगी, एनिमीज यहां से आ रही है यहां से आ रही है आपको पता चल जाएगा, इन ऑडियो एक्सपीरियंस आपको काफी बढ़िया मिलने वाला है। जो 60 मिलीसेकंड लेटेंसी है डेफिनेटली जस्टिफाई करती है, इसको आप डेफिनेटली अच्छी गेमिंग के लिए ऑप्शन में रख सकते हैं। बात करेंगे आप साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी और कॉल क्वालिटी की, इसमें आपको 13 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स दिए गए हैं SBC AC कोडेक के सपोर्ट के साथ, लाउडनेस आपको बहुत ज्यादा मिलने वाली है, प्लस पॉइंट ये है फुल वॉल्यूम पे आप सुन सकते हैं बिना किसी डिस्टॉर्शन की, आपको डिस्टॉर्शन बिल्कुल फील नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर आप यहाँ पे 70% वॉल्यूम से ऊपर जाएंगे यहाँ पे आपको साउंड लीकेज का इशू देखने को मिलेगा, 100% वॉल्यूम पे काफी आपको साउंड लीकेज इशू देखने को मिलेगा, 70% वॉल्यूम से ऊपर जाएंगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत साउंड लीकेज इशू देखने को मिलेगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन जो बोलते हैं इसमें दो इक्वलाइजर मोड्स दिए गए, इसमें आपको जो बोर्ड का सिग्नेचर साउंड है और स्पेशल ऑडियो का सपोर्ट दिया गया है, स्पेशल ऑडियो में ना ये काफी हद तक बोलते हैं कि जो बेस है बिल्कुल कम कर देगा, आपको वोकल से फोकस ज्यादा जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ आपको यहाँ पे डायनेमिक एक्सपीरियंस मिल रहा है। लेकिन पर्सनली मुझे जो बोर्ड का सिग्नेचर साउंड है उसमें मुझे काफी बढ़िया आउटपुट मिल गया, वोकल्स को लेके, इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन को लेके, पर्टिकुलरली बेस पार्ट को लेके, बेस भी इसमें आपको काफी सराउंडिंग मिलने वाले हैं, अच्छी आपको पंचनेस मिल जाएगी। लेकिन बोलते ना कानों में से बड्स उछकने वाली फीलिंग, वो आपको हल्की फुल्की मिसिंग लग सकती है, लेकिन जो बोर्ड का सिग्नेचर साउंड है डेफिनेटली जस्टिफाई करता है, अगर बोर्ड के सिग्नेचर साउंड में म्यूजिक सुनेंगे आपको बढ़िया म्यूजिक और बढ़िया आपको बेस इफेक्ट्स मिलने वाले हैं। स्पेशल ऑडियो में मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा एनहांसमेंट नहीं लगी आउटपुट मामले को लेके, डिसेंट आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा उसमें। बात करेंगे कॉलिंग की, इसमें आपको 3 माइक्स का सेटअप दिया गया है AI पावर्ड ENX टेक्नोलॉजी के साथ। यहाँ पर आप हमारा देखिए बाइक का कॉलिंग टेस्ट इसके थ्रू। हेलो, हाँ दीक्षा प्रेशानी जी, क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बस थोड़ा रेस्ट कर रही थी। आराम फरमाया जा रहा है, फ्री है क्या 2 मिनट? हाँ हाँ बोलो। ओके यार, अभी मेरे पास यहाँ पर ना बोट रॉकर्स 255 ANC इनके एक नेकबैंड लॉन्च हुए हैं, तो हाँ। इसका मैं अभी 2 तरीके से कॉलिंग करूंगा। फिलहाल मैं यहाँ पे स्टेबल कंडीशन में हूँ, ऐसी बाइक पे थोड़ा रोड साइड खड़ा हूँ, फिर मैं थोड़ा बाइक ड्राइव करूंगा। अभी फिलहाल स्टेबल कंडीशन के हिसाब से तो मेरी आवाज कैसी आ रही है? ऐसे थोड़ा बाहर हूँ ऑफिस के। आवाज तो काफी क्लियर आ रही है, वोकल्स क्लियर है, लाउडनेस भी अच्छी है, बैकग्राउंड क्या है अभी कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है अभी तो फिलहाल कुछ भी। अच्छा अच्छा, तो कितना परसेंटेज मेरी आवाज से फोकस बोल सकती हो?
85 के ऊपर ही है। 85 के ऊपर है, हाँ ठीक है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा बाइक स्टार्ट कर दी है मैंने अपनी, और यहाँ पे बाइक ड्राइव करूंगा। अब बताना, मैं हॉर्न दे रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ पे हॉर्न बजा रहा हूँ विंड नॉइस को लेके, बैकग्राउंड नॉइस को लेके, साइड से अब गाड़ियां भी हैं, थोड़ा ट्रैफिक है। तो अब तो मैं कंफर्टेबली, मेरी आवाज कैसी आ रही है यहाँ पे ड्राइविंग के टाइम पे? ड्राइविंग के टाइम पे भी अभी आवाज काफी अच्छे समझ में आ रही है। ओके, बाकी यहाँ पे गाड़ियां जा रही है साइड से, हॉर्न को लेके, विंड नॉइस को लेके? विंड नॉइस नहीं समझ में आ रही है, हॉर्न की आवाज समझ में आ रही है, लेकिन तुम्हारी आवाज फोकस है। कितना परसेंटेज फोकस हो सकती है ड्राइविंग के टाइम पे फिलहाल अभी? 80% 80% लगा है फोकस। हाँ ठीक है दीक्षा, थैंक यू। ठीक है, बाय। कॉलिंग भी इसकी काफी आपको इम्प्रेसिव मिलने वाली, इंटर आउटर कंडीशन दोनों में आपने यहाँ पे टेस्टिंग देख ली होगी, कैसा आपका आउटपुट मिलने वाला है। बाइक को स्टेबल कंडीशन में रख के भी और बाइक चलाते हुए भी आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा। इसकी कॉलिंग मुझे पर्सनली काफी इम्प्रेसिव लगी। यहाँ पर अब हम करते हैं रेटिंग, साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी, कॉल क्वालिटी, गेमिंग एक्सपीरियंस, इसके ANC मोड को आउट ऑफ 10। तो मैं साउंड क्वालिटी दूंगा 9 out of 10, अगर आप बोर्ड के सिग्नेचर साउंड में सुनेंगे तो। इसके मैं बेस क्वालिटी को दूंगा 8.5 out of 10, मैं कॉल क्वालिटी को दूंगा 8.5 out of 10, गेमिंग एक्सपीरियंस को दूंगा 9 out of 10, और इसके ANC मोड को दूंगा 9 out of 10। These are the ratings on to my personal experience, and depending on the price of this neckband, approximately 1900 रुपए के आसपास, 2000 रुपए के अंडर, अगर आपको एक बोट ब्रांड की तरफ जाना है और आपको यहाँ पे फीचर से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ANC मोड को लेके, डुअल डिवाइस पेयरिंग को लेके, मैं रेटिंग ऑन ऑफ फीचर को लेके, आउटपुट भी काफी आपको बढ़िया मिल जाएगा। मैंने आपको सारे के सारे प्रोज एंड कॉन्स बता दिए, टेस्टिंग के साथ आप पे डिसीजन मैटर करता है, लेकिन इसको आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं, मुझे काफी इंप्रेसिव पैकेज लगा प्राइस पॉइंट के हिसाब से। और यहाँ पर अगर आपको इसका कंपैरिजन वीडियो चाहिए रियलमी वायरलेस 3, जो कि इसका काफी टफ कॉम्प्यूटर है मेरे हिसाब से, काफी आपको सिमिलर फीचर्स मिलने वाले हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम बिल्कुल ट्राई करेंगे फटाफट इसका कंपैरिजन वीडियो बिल्कुल हैवी टेस्टिंग के साथ लेके आ जाएंगे आप लोगों के लिए। मैंने बेस्ट पॉसिबल लिंक्स दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट करके ग्रैब कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को, अगर आपको प्रोडक्ट पसंद आया तो। आपको अभी भी कुछ दिक्कत है, कुछ पूछना हो, कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट विद दैट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द अनबॉक्सिंग, रिव्यूज, कंप्लीट टेस्टिंग एंड माय पर्सनल एक्सपीरियंस विद द रिसेंटली लॉन्च बोट रॉकर्स 255 ANC नेक बैंड। होप यू लाइक दिस वन, एंड एज आई टोल्ड यू, इफ यू न्यू टू आवर चैनल, काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल, सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। Thank you for watching this one, and see you in the next video. Thank you.